हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है। तो आज हम बताने वाले हैं जो जगसनपाल फार्मास्यूटिकल है, जो कि एक बहुत ही अच्छी मिड कैप कंपनी है, जिसमें मैंने खुद ने ट्रेडिंग करके लगभग 23% रिटर्न कमाया है। आज भी अभी ये 13% ऊपर है और आने वाले टाइम में जो इसका टारगेट होगा वो लगभग 200 होगा शॉर्ट टर्म में, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इसको 250 रुपये तक के भी टारगेट होंगे। तो ये मैं बता देता हूँ, फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है इसके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी सारी मेडिसन्स हैं जिनका मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्ड है। और अगर मैं इसकी आज के जो चार्ट की बात करता हूँ, तो जैसा कि आपको इस चार्ट में दिख पा रहा है, अभी जो करंट भाव है इसका 166.90 रुपीज़ है, जो कि आज जो इसने टच किया है हाई 170.70 रुपये टच किया है, और अभी 14% के रिटर्न पे अभी ये खड़ा है। अभी टाइम बहुत बाकी है 3 बजे तक का, 3 बजे तक हो सकता है 1-2% का और उछाल दे दे, लेकिन इसका जो शॉर्ट टर्म में लो टारगेट है वो 200 रुपीज़ का है, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इसका जो टारगेट है वो है 250 रुपीज़ का। अगर हम इसके फाइनेंशियल की बात करते हैं तो जो कंपनी की जो रिवेन्यू ग्रोथ है वो 35% से ग्रो कर रही है कंपनी ईयर ऑन ईयर, और जो नेट इनकम है वो 137% से ग्रो कर रही है। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो वो 75% से बढ़ा है, और जो ऑपरेटिंग इनकम है वो 169% से बढ़ा है। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, रिवेन्यू ग्रोथ अच्छी है इसकी, मार्जिन अच्छे हैं। तो मेरी जो सलाह रहेगी वो ये रहेगी कि आप इसमें पैसा लगाइए, लेकिन पैसा लगाने से पहले एक अपनी भी स्टडी होना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी एक अच्छी सी स्टडी कीजिए, इसमें पैसा लगाइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप कोई स्टॉक पे किसी भी तरह की कोई स्टडी चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।